वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बेटा ये नाइन्थ के मैथ्स का आपका टेंथ चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस, और उसमें हम आज कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन ड्रा करके बताएंगे आपको। जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है वो आपके पास है टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल, कि आपको एक गिवन एंगल का बाइसेक्टर फाइंड करना है। बाइसेक्टर का मतलब होगा आपको, अगर आपके पास ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री दिया है, तो इसका हाफ कैसे फाइंड करना है आपने, वो आप कंपास का यूज़ करके कैसे फाइंड करोगे वो आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने आपके लिए एक रफली डायग्राम ड्रा की हुई है। यहाँ पे ए एंगल दिया आपके पास ए बी सी, इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, कंपास अपनी मर्जी से कुछ खोल के इसके बाद पॉइंट बी पे रख के एक आपने क्या करना है, आर्क ड्रा कर देनी है, ठीक है। ये आर्क ड्रा कर दी, इसका नाम दे दो आप डी और ई। उसके बाद क्या करना है, अब आपने एक बार कंपास पॉइंट डी पे रखनी है और एक आर्क ड्रा करनी है। सिमिलरली आपने पॉइंट ई पे भी कंपास रखे, एक आर्क ड्रा करनी है। जहाँ पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने एफ, ठीक है। ये एफ पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट बी और पॉइंट एफ को ज्वाइन करूँगा, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये आपके पास, तो ये आपके पास अगर मैं इसका नाम जी दूँ, तो ये आपने ड्रा कर दिया बाइसेक्टर इस एंगल का। तो यहाँ पर जो एंगल आपके पास आएगा, एंगल सी बी जी, ये किसके बराबर होगा, हाफ हाफ एंगल सी बी ए, और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि बाइसेक्टर आपको कैसे ड्रा करना है एक एंगल का, ठीक है। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे, अब सेकंड आपके पास कंस्ट्रक्शन टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट, कि अगर आपको एक लाइन सेगमेंट दी है ए बी, तो उसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होगा कि आप उसको दो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट हम ले रहे हैं आपके पास लाइन सेगमेंट लेंगे कोई एक, तो मान लो मैंने ए बी लाइन सेगमेंट ये मेजर करके ली हुई है, और मैंने ए बी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँगा विदाउट यूजिंग कंपास, सॉरी विदाउट यूजिंग स्केल। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कंपास हाफ से ज़्यादा ओपन करूँगा। इसकी ए बी की वैल्यू 6 है, तो मैं कम मिनिमम 5 सेंटीमीटर ओपन कर रहा हूँ उसको, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर ओपन करके क्या करूँगा, एक ए पॉइंट पे पॉइंटर रख के क्या करूँगा, एक आर्क अब ड्रा करूँगा इस लाइन के, और एक बिलो, ठीक है। एक यहाँ पे आर्क ड्रा की और एक यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अब देखो आप, आपके पास जो कंपास का, ये कंपास का यहाँ पे कंपास आपकी थोड़ी भी हिल नहीं चाहिए। अगर कंपास हिल गई तो आपका पॉइंट मूव कर जाएगा आगे पीछे, तो फिर आप अच्छे से ड्रा नहीं कर पाओगे। तो मैं इसके लिए आपको, आपके लिए दोबारा ड्रा कर रहा हूँ ये। तो देखो यहाँ पे हाफ से ज़्यादा ओपन किया आपने, ठीक है। तो एक बार आपने यहाँ पे कंपास से आर्क ड्रा कर दी, और एक बार यहाँ पे। सिमिलरली अब मैं बी पॉइंट पर रखूँगा कंपास का पॉइंटर, यहाँ पे रख दिया, और जितना मैंने कंपास खोली हुई थी उतनी खोल के मैंने क्या किया, सॉरी यहाँ पे इस पॉइंट से मैंने एक बार मैंने यहाँ पे आर्क ड्रा कर दी, और एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपका, ये पेंसिल लग गई थी आपकी यहाँ पे, तो इसका नाम दे दिया मैंने पी, और इस पॉइंट का नाम दे दिया क्यू। देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने ये पॉइंट, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, इन दोनों पॉइंट को अब आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो स्केल का यूज़ करके आप क्या करोगे, इन पॉइंट को ज्वाइन करोगे, और जो मिडिल पॉइंट होगा वो एम होगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब जो ये दोनों लाइन सेगमेंट का हो रहा है, ये दोनों लाइन सेगमेंट को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये देखो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, और 3 सेंटीमीटर ही इस तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब कि आपका जो एम पॉइंट है वो इसका मिडिल पॉइंट होगा, और इस तरह से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करोगे। मीन्स आप एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया आज आपके लिए, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में हमने एक बाइसेक्टर फाइंड, बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं एंगल का, और दूसरा आप लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कैसे ड्रा कर सकते हो, ये आपको बता दिया इसमें। थैंक यू स्टूडेंट्स।